उत्पाती हाथियों को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम, 4 प्रशिक्षित हाथी भी टीम में शामिल। से निकलकर मध्य प्रदेश के 3 जिलों में नुकसान कर चुके जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए कान्हा और पेश टाइगर रिजर्व की एक टीम बनाई गई है। छत्तीसगढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश के मंडला, सिवनी और नरसिंहपुर में करोड़ों का नुकसान कर चुके जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए कान्हा और पेश टाइगर रिजर्व की एक टीम बनाई गई है, जिसमें करीब 100 लोग शामिल हैं जो मंडला जिले में इन दिनों जंगली हाथियों की तलाश कर रहे हैं। यह टीम जिले के फूलसागर, रामनगर और तिलईपानी क्षेत्र में जंगली हाथियों की तलाश कर रही है, जिन्हें पकड़ने के बाद कान्हा टाइगर रिजर्व में बनाए गए क्रोल में रखा जाएगा। हाथियों को पकड़ने के लिए 4 प्रशिक्षित हाथियों की मदद ली जा रही है। वहीं बनाई गई टीम में उत्पाती हाथियों को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए 3 विशेषज्ञ डॉक्टर भी रखे गए हैं। देखिए, लगभग 1 साल पहले छत्तीसगढ़ की सीमा से मंडला में घुसने के बाद से इन दो नर हाथियों ने नैनपुर क्षेत्र से लेकर सिवनी जिले और नरसिंहपुर जिले में करीब 1.5 करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाई है, जिसमें फसल और पाइप जैसी चीज शामिल हैं। वहीं हाथियों ने सिवनी जिले में एक बुजुर्ग को मारने के साथ एक अन्य को घायल किया था, जिसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर इलाज के लिए भेजा गया था। जंगली हाथी नरसिंहपुर से फिर लौट कर सिवनी होते हुए मंडला जिले में पहुँचे हैं। इन हाथियों को पकड़ने की मंजूरी केंद्र ने जनवरी माह में ही दे दी थी। देखिए, इनको पकड़ने के लिए पेश टाइगर रिजर्व की, कान्हा टाइगर रिजर्व की और यहाँ से वेस्ट मंडला डिवीजन की टीमें तैयार कर ली गई हैं, और ईस्ट मंडला को भी हमने तैयार रखा है, क्योंकि उनकी जिस तरह की लोकेशन मिल रही है वो ईस्ट मंडला में भी जा सकते हैं। लगभग हमारी जो टीम है टोटल, उसमें 100 के आसपास लोग हैं जिनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। किसी को भोजन व्यवस्था दी गई है, किसी को आपके ढूंढने की सर्चिंग के लिए टीम है जो एलिफेंट सर्च कर रही है, ट्रैकिंग कर रही है, ढूंढने का काम कर रही है। महापतों का काम ट्रैकिंग का है, वो अलग काम कर रहे हैं, और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन काम और वरिष्ठ अधिकारियों का है कि वो लगातार पूछ करके करें। रणनीति हमारी ये है कि लगातार हम इसको जहाँ भी सर्च करके मिलेगा इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, और पकड़ कर इसको कान्हा टाइगर रिजर्व में क्रॉल बना लिया गया है, वहाँ पर रखेंगे।